मेरा नाम शताक्षी मिश्रा है, मैं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र गंगागंज की छात्रा हूँ। मैं आपको सीपीआर के बारे में बताने जा रही हूँ। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, ठीक है। और सीपीआर देते समय हम मरीज को एकदम सीधा लिटाएंगे, बिल्कुल भी एकदम सीधा स्ट्रेट में इसको लिटाएंगे, जगह एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। सीपीआर हम देते हैं जब हमारा जो पेशेंट है उसको हार्ट अटैक की स्थिति में देते हैं, या फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉट लगाओ तो देते हैं। और सीपीआर देने का तरीका होता है हमारा, सीपीआर हम लंग्स और स्टर्नम के बीच में देते हैं। और इसका देने का तरीका, हमारे दोनों ये हथेलियाँ ऐसे होंगी लंग्स और स्टर्नम के बीच में, और हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। और इसको युवावस्था में इसको 30x2 देते हैं, यानी कि 30 बार इसको प्रेस करते हैं और 2 बार एयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, एक इसको ऐसे देना है कि ये 1 इंच तक अंदर जाए, ठीक है। ऐसे देना कि ये 1 इंच तक नीचे दबे, ताकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से हो सके, ठीक है। इसको 30 बार देना है, किस में देना है, जब युवावस्था होती है 30 बार, और 2 बार एयर प्रोवाइड करनी, यानी कि माउथ से माउथ में एयर प्रोवाइड करनी है। और ऐसे प्रोवाइड करनी, एयर बिल्कुल बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद जो बच्चों में इसका देने का तरीका अलग होता है। बच्चों में हम इसको 2 उंगलियों से स्टर्नम और लंग्स के बीच में देते हैं। कितने बार देते हैं, 15x2 बार, ठीक है। 15 बार उसको ऐसे प्रेस करते हैं। इसको हल्के हाथ से देना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से देते हैं। और इसको 2 बार एयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन, ठीक है। इसको किस हाल में देते हैं, हार्ट अटैक की स्थिति में देते हैं, और या फिर हाँ जब इलेक्ट्रिक शॉक लगती है तब देते हैं, ठीक है। और 2 बार इसको एयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, थैंक यू।